बरसुबह शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान के दरमियान सियासी बैठक हुई। शहबाज शरीफ ने चौधरी बरादरान को पीडीएम के फैसले से आगाह किया और हुकूमत मुखालिफ तहरीक में हिमायत की दरख्वास्त की। चौधरी बरादरान ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ वफद के हमरा चौधरी बरादरान की रिहायश गाह पहुँचे तो परवेज इलाही और शहबाज शरीफ ने एक दूसरे को गले लगाया। शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एक घंटा 20 मिनट तक जारी रहने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी सूरतहाल पर भी गुफ्तगू हुई और गिले शिकवे भी किए गए। शहबाज शरीफ ने चौधरी बरादरान को पीडीएम के फैसलों के बारे में आगाह किया और नवाज शरीफ का पैगाम भी पहुंचाया। ज़राए के मुताबिक चौधरी बरादरान ने शहबाज शरीफ की इस बात से इत्तफाक किया कि मुल्क नाजुक हालात से गुजर रहा है और अवाम महंगाई के हाथों तंग है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग काफ की क़यादत को अदम एतमाद में तआवुन की दरख्वास्त की, ताहम चौधरी बरादरान ने उन्हें वाज़े जवाब नहीं दिया और मुशावरत के लिए वक्त मांगते हुए वाज़े किया कि वो जो भी फैसला करेंगे मुल्की मफाद को सामने रख कर करेंगे।